आज के जमाने में गेमिंग के मामले में मोबाइल फोन्स भी कंसोल और पीसी से कम नहीं है। एक वो जमाना हुआ करता था जब मोबाइल फोन के गेम्स बहुत बेसिक होते थे। तब किसने सोचा होगा कि एक दिन हम नीड फॉर स्पीड और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स भी मोबाइल पर खेलेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट एंड्रॉइड और आईओएस गेम्स की, जो साल 2021 और 2022 में आ चुके हैं या आने वाले हैं। नंबर 10 पर है स्टार वॉर्स हंटर। ये एक कॉम्पिटिटिव एरिना कॉम्बैट गेम है जो कि निंटेंडो स्विच, आईओएस और एंड्रॉइड के लिए 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये गेम स्टार वॉर्स गैलेक्टिक एम्पायर पर आधारित है और इसमें लोकेशंस और कैरेक्टर्स सारे स्टार वॉर फ्रेंचाइजी पर बेस्ड हैं। इस गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और ये गेम टीम बेस्ड और काफी फास्ट पेस्ड है। नंबर 9 पर है अल्टीमेट बैटल स्ट्राइक। ये एक एक्शन पैक शूटिंग गेम है। इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार्स मिले हैं। इस गेम में काफी मोड्स हैं जो कि आपको काफी समय तक इस गेम से हुक रखेंगे। इस गेम के ग्राफिक्स भी अल्ट्रा रियलिस्टिक है और FPS का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। नंबर 8 पर है फाइनल फैंटेसी 7 द फर्स्ट सोल्जर। फाइनल फैंटेसी सीरीज काफी कंसोल से होकर स्मार्टफोन पर आ चुकी है। ये एक रोल प्लेइंग गेम स्टाइल बैटल रॉयल गेम है। इस गेम में फाइनल फैंटेसी सीरीज के सारे व्हीकल्स अवेलेबल हैं और आप अपने कैरेक्टर को फुली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इस गेम का कॉम्बैट स्टाइल काफी अच्छा है। आप वॉरियर या सॉर्सरर बनकर अपने एनिमीज को बंदूक, तलवार या मैजिक से एलिमिनेट कर सकते हैं। नंबर 7 पर है कार लाइफ। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आप अपनी कार्स को कस्टमाइज, ट्यून या रेस भी कर सकते हैं। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है जहां पर आप अपनी कार लाइफ खुद ही चुनते हैं। इस गेम में मैप्स काफी अच्छे हैं और आपको तरह तरह की लोकेशंस पर, जैसे पहाड़ों पर, बीचेस पर या सिटी के बीचों बीच रेसिंग का पूरा मजा मिलेगा। अगर आप रेसिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप इस सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और नई कार्स कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पर है साइरूम हॉरर ऑफ रीजन। ये एक हॉरर स्टाइल्ड आर्केड गेम है। इस हॉरर गेम में आपको सरवाइव करना है और किसी तरह इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना है। यहाँ पागल साइंटिस्ट ने काफी अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस गेम की स्टोरी लाइन काफी डार्क और डरावनी है जो कि आपको सरप्राइजेस देती रहेगी। अगर आपको हॉरर गेम्स या हॉरर स्टोरीज पसंद है तो ये गेम आपको जरूर पसंद आएगा। नंबर 5 पर है रेजिंग इनफाइनाइट शॉर्ट्स। ये एक बहुत ही सिंपल रोल प्लेइंग गेम है जिसे हर कोई एंजॉय कर सकता है। जैसे कि नाम से पता चल ही रहा है कि ये गेम शॉर्ट्स का है, जिन्हें कलेक्ट करके आप उनकी पावर्स बढ़ा सकते हैं और अपने एनिमीज को हरा सकते हैं। नंबर 4 पर है आर्क फोर्स 3v3 हीरो शूटर। ये एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर शूटर गेम है जो कि एक्शन से भरा है। आप अपना स्क्वाड चुन सकते हैं और दूसरे प्लेयर्स के स्क्वाड्स को हराकर नए स्किन्स और पर्क्स को अनलॉक कर सकते हैं। इस गेम में काफी मोड्स हैं, जैसे क्लासिक टीम डेथ मैच और हार्ड पॉइंट। अगर आपको एक्शन पैक मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना अच्छा लगता है तो इस गेम को भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 3 पर है 7 Nights 2। ये एक रोल प्लेइंग गेम है जिसे काफी लोग खेलते हैं। सेवन नाइट्स को काफी पसंद किया गया था और उस गेम के सभी कैरेक्टर्स 7 Nights 2 पर भी अवेलेबल हैं। इस गेम में कॉम्बैट काफी अच्छा है और आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी बॉसेस को हराने के लिए।
सेवन नाइट्स की स्टोरी भी आप यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ये गेम एंड्रॉइड और iOS पर अवेलेबल है। नंबर टू पर है लेगो स्टार वॉर्स द स्काईवॉकर सागा। हालांकि ये गेम अभी तक एंड्रॉइड या iOS पर अनाउंस नहीं हुआ है, पर ये गेम निंटेंडो स्विच पर 2022 में रिलीज किया जाएगा। कहा जा रहा है कि 2022 में ही इस गेम का एंड्रॉइड और iOS पर भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेगो स्टार वॉर्स गेम लेगो स्टार वॉर मूवी पर ही बेस्ड होगा और इसी फ्रेंचाइजी का ऑफिशियल गेम भी होगा। इस गेम का काफी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। नंबर वन पर है जस्ट कॉज मोबाइल। जस्ट कॉज मोबाइल एक एक्शन शूटर गेम है। इस गेम में काफी मोड्स हैं, जैसे स्टोरी कैंपेन, 30% कॉम्पिटेटिव मल्टीप्लेयर और 4-player co-op मिशन। इस गेम की ग्राफिक्स भी बहुत हाई क्वालिटी होगी और ये गेम फ्री में अवेलेबल होगा। आपने जस्ट कॉज गेम्स पीसी, प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स पर जरूर खेले होंगे। आपको जस्ट कॉज मोबाइल को भी एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये था हमारा काउंटडाउन टॉप 10 लेटेस्ट एंड्रॉइड और iOS गेम्स का। गेमिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए किस मोबाइल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, गुड बाय।